टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता, टैलेंट अमीर गरीब का घर भी नहीं देखता, टैलेंट देखता है हौसला, जज्बा, इच्छा शक्ति और समर्पण। जिसमें ये गुण होते हैं उन्हें कोई दीवार लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। भारतीय महिला हॉकी टीम की फास्ट फॉरवर्ड प्लेयर रानी जहां फ्लाइट में ओलंपिक खेलों के लिए रियो जा रही थी, वहीं उनके पिता रामपाल घोड़ा गाड़ी चलाकर अपने काम में जुटे रहे। चाहे वह बेटी रियो ओलंपिक में देश का परचम लहराएगी, लेकिन उसके पिता इन सब बातों से बेखबर हैं, आज भी अपनी घोड़ा गाड़ी पर माल ढोने का काम कर रहे हैं। रानी की पूरी फैमिली का गुजर बसर घोड़ाबाड़ी से होता है। उनके पिता रामपाल ने घोड़ा गाड़ी चलाकर रानी के हॉकी खेलने के सपने को साकार किया और टीम इंडिया के साथ उसका रियो तक का सपना साकार कराया। गरीबी के बीच पली बड़ी रानी रामपाल को इस बात की जरा सी भी शक नहीं कि उसके पिता आज भी मजदूरी करते हैं, बल्कि उसे अपने पिता पर गर्व है। मेरे पास घर था, वो भी पक्का नहीं था, सीमेंट का मतलब, और तो कभी कभी मतलब बारिश होती है तो पूरा मतलब घर में पानी भर जाना, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस टाइम पे बहुत मतलब कई बार रोना भी आता था कि मतलब कैसी लाइफ है। लेकिन मेरे फादर जो, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हम लोग को स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए और हॉकी खिलाने के लिए, तो बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन बहुत गरीबी वाला टाइम था। अभी भी उसको याद करो तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना कैसा टाइम था और कैसे टाइम से हम लोग ऊपर आए। रानी को अपने पिता पर गर्व है, इसलिए स्टार खिलाड़ी ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी लगा रखा है। आज विश्व में रानी रामपाल के नाम से ही वह जानी जाती है। हालांकि रानी के पास बचपन में न तो खेलने के लिए जूते थे, न ही हॉकी किट थी, बस पास था तो केवल खेल का जुनून और कुछ करने की जिद। द्रोणाचार्य अवार्डिक कोच बलदेव सिंह की ट्रेनिंग और अपनी इसी जिद के बदौलत रानी ने सफलता के शिखर को छुआ। जर्मनी में खेले गए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता और रानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट में रानी रामपाल के गोल की बदौलत भारतीय टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए टिकट पाया। अपने प्रदर्शन की बदौलत ही रानी रेलवे में नौकरी हासिल कर सकी और टीम के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल ली। रानी की हॉकी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसकी हॉकी सेंस बहुत गजब का है और वह बात उसके कोच भी मानते हैं। रानी रामपाल बॉल को लेकर बहुत तेज फर्राटा लगाती है और तेज रफ्तार और धार के साथ जब हमला बोलती है तो प्रतिद्वंदी टीम की रक्षा पंक्ति को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। डी के भीतर रानी के निशाने अचूक होते हैं और इसी प्रतिभा की बदौलत आज रानी का नाम विश्व की चोटी के फॉरवर्ड में शामिल है। रानी के पिता रामपाल को पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में रानी उम्दा प्रदर्शन कर देश को पदक दिलाएगी। यह है रानी रामपाल की कहानी। कितने अभावों से होकर गुजरी, लेकिन मंजिल कितनी आगे बढ़ चुकी। हौसला था, जज्बा था, विश्वास था और एक जिद थी। इस सब के साथ एक कामयाबी का शिखर पूरा हुआ और हम उम्मीद करते हैं रियो ओलंपिक के अंदर तिरंगा जब लहराएंगी तो हर देश का बंदा उस पर गर्व करेगा। इस देश की बेटी पर एक सम्मान होगा। इस देश की बेटी को जितना सलाम किया जाए उतना कम है और इस बच्ची के लिए जितनी दुआ की जाए उतनी कम है। जय हिंद, जय भारत।